इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक इंसानियत और दूसरी हैवानियत। लेकिन इन दिनों इंसानियत हैवानियत में बदल गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। या यूं कहें कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया हॉस्पिटल में नाबालिग बच्ची ने एक ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि बलिया जिला अस्पताल में 15 वर्षीय नाबालिग ने शौचालय में एक नवजात बच्ची को जन्म देकर भाग रही थी और उस किशोरी को अस्पताल कर्मचारियों ने धर दबोचा। वहीं चिकित्सकों की माने तो किशोरी नरही CHC से आई थी और उसने बताया कि उसके पेट में दर्द है। उसके बाद उसे इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया गया। ये लड़की इस दौरान शौचालय में चली गई। उसके बाद शौचालय से बाहर आकर ये लड़की एक बार फिर शौचालय चली गई। उसके बाद लोगों को शक हुआ तो अस्पताल कर्मचारियों ने देखा कि शौचालय में एक नवजात बच्ची मिली और ये नन्ही परी जिंदा थी। उसके बाद अस्पताल द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। फिलहाल उस किशोरी लड़की का महिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और आपको बता दें कि नवजात बच्ची का इलाज भी जिला अस्पताल में ही चल रहा है। अभी हॉस्पिटल में तो अभी मामला जो हमारे संज्ञान में आया है, यह एकदम मानवता को शर्मसार करने वाला है। कम से कम एक महिला को इस तरह की क्रूरता नहीं करनी चाहिए। वह लड़की एक माँ बने, जन्म दे, बाप और माँ दोनों की गलती है। उसमें इस तरह का खेल जो किया जा रहा है, सेक्स रैकेट टाइप का यह काम हो रहा है और बाद में उस शिशु को जो इसका कुछ नहीं जानता, वह समाज में आना चाहता है, उसको इस तरह से फेंक दिया जाता है। तो यह बहुत ही निंदनीय है और इस पर सरकार से लेकर सारे लोगों को गंभीरता से, परिवार खास तौर पर, आज के डेट में जो परिवार की स्थिति है उसको समझने की ज़रूरत है, नौजवानों की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। और इस चीज़ों को देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि आप लोग, यह किसी सरकार और किसी पुलिस और किसी प्रशासन की सुधार की बात नहीं है, स्वयं की सुधार की बातें हैं और इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट।